Do not. Please respond. Delta, what's the problem? Please respond. Over. जिया खान का जन्म न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था और उसके बाद उसने अपनी आगे की पढ़ाई लंदन से पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद जिया ने डिसाइड किया कि उसे एक फिल्म स्टार बनना है, जिसके चलते वो अपना एक्टिंग करियर बनाने मुंबई चली गई और जल्द ही उसे फिल्मों में अच्छे रोल भी मिलने लगे। साल 2008 की सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट गजनी में भी जिया खान को एक काफ़ी अच्छा रोल मिला, मगर साल 2013 में ये उभरती हुई स्टार ये दुनिया छोड़कर चली गई। 3 जून 2013 के दिन अपनी फैमिली के एक अपार्टमेंट में सीलिंग से लटकती हुई मिली, जो कि मुंबई में था, और इस डेथ को पुलिस ने सुसाइड का नाम दे दिया। जिया ने 3 जून के दिन को काफ़ी अच्छे से प्लान किया था। उसका पूरा प्लान ये था कि वो अपने मुंबई वाले अपार्टमेंट में पूरी रात बैठकर गेम ऑफ थ्रोन्स देखेगी। वो पूरी रात इसलिए जागने वाली थी क्योंकि सुबह के 3 बजे उसकी छोटी बहन कविता उसके पास आने वाली थी। जिया ने उस पूरे दिन काफ़ी शॉपिंग की थी और कविता के लिए कुछ गोल्ड ज्वेलरी भी खरीदी थी। जब उसकी बहन कविता का प्लेन टेक ऑफ हुआ, उससे पहले दोनों बहनों ने काफ़ी सारे टेक्स्ट एक दूसरे को किए थे, क्योंकि वो एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। जिया खान अपने अपार्टमेंट में अकेली थी और उसकी माँ अपने दोस्तों के साथ डिनर करने रात 9 बजे बाहर चली गई थी। रात 9:37 पे जिया खान की माँ की उससे फ़ोन पे बात भी हुई थी। जिया खान की माँ के मुताबिक वो फ़ोन पर बहुत ही रिलैक्स्ड और खुश लग रही थी। राबिया अपना डिनर ख़त्म करके लगभग 11:20 पर अपने घर में वापस आती है और वो जिया को सीलिंग फैन से लटकते हुए पाती है। उसकी माँ के मुताबिक जब उसने अपनी बेटी को छुआ, उस समय भी उसका शरीर गर्म था। राबिया ने जल्दी से जिया के पैरों को पकड़ लिया और उसका सारा वजन अपने कंधों पर ले लिया और वो मदद के लिए चिल्लाने लगी, मगर जिया उस समय तक जा चुकी थी। अगली सुबह फॉरेंसिक्स टीम अपार्टमेंट में अपना काम कर रही थी, मगर तब तक लोकल पुलिस रिपोर्टर्स को बता चुकी थी कि शायद ये एक सुसाइड है। और किसी भी उभरते हुए स्टार की जब मौत हो जाती है, स्पेशली जब ये रूल आउट कर दिया जाता है कि वो एक सुसाइड है, उसके बाद कुछ सिमिलर बातें जैसे होती हैं, उस दिन भी वैसी बातें होने लगी कि जिया खान डिप्रेस्ड थी, उसके बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया था, वो इस रूथलेस बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही थी और नए नए स्टार्स के आने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक हफ्ते तक जिया की मौत से रिलेटेड पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिल पा रहा था, मगर एक हफ्ते बाद जिया की छोटी बहन कविता को एक 6 पेज लंबा लेटर मिला जो जिया की हैंडराइटिंग में था। उसने उस लेटर में किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान को एड्रेस नहीं किया था, मगर उस लेटर के कंटेंट्स को पढ़कर पता लग रहा था कि उसने वो लेटर अपने बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली के लिए लिखा था, जो कि 22 साल का था। सूरज पंचोली बॉलीवुड के स्टार्स आदित्य पंचोली और जरीना वहाब का बेटा था। वो भी एक एक्सपायरिंग एक्टर था उस समय और वो जिया को पिछले 9 महीनों से डेट कर रहा था। लेटर मिलने के बाद लोकल मुंबई पुलिस ने सूरज को अरेस्ट कर लिया था और फिर उसे बेल पर अगले महीने छोड़ दिया गया, मगर जिया की माँ राबिया ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। इसलिए उसने बॉम्बे हाईकोर्ट में जुलाई 2014 में एक पिटीशन लगाई कि इस केस को CBI को ट्रांसफ़र किया जाए। CBI ने अपनी जांच करनी शुरू करी और उन्होंने मुंबई पुलिस की रूलिंग्स, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिया ने सुसाइड किया है, उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया और दिसंबर 2015 में केस को दोबारा से रीन्यू किया गया और सूरज के खिलाफ केस शुरू किया गया। CBI के मुताबिक जिया और सूरज के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था। उन दोनों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फिजिकल अब्यूज़ था। जिया मेंटली भी ठीक नहीं थी, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी किया गया था और अल्टीमेटली उसने डिसाइड किया कि उसे सुसाइड कर लेना चाहिए। मगर CBI ने अभी भी जिया की मौत को एक मर्डर का नाम नहीं दिया था। मगर राबिया खान CBI के इस डिसीजन से खुश नहीं थी। राबिया ने PM नरेंद्र मोदी को एक ओपन लेटर लिखा और जिसमें उसने इल्ज़ाम लगाया कि CBI जानबूझकर कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा रही है
और किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेकर उसने लिखा कि सारे फोरेंसिक एविडेंस ये साफ साफ सजेस्ट कर रहे हैं कि जिया का मर्डर हुआ था और जिसके बाद उसको सीलिंग से लटका दिया गया ताकि सबको लगे कि वो एक सुसाइड है, और उसने ओपनली सूरज को इस केस में इन्वॉल्व किया था। राबिया खान के इस इल्ज़ाम से सूरज और उसकी फैमिली बिल्कुल खुश नहीं थी और उन्होंने राबिया पर डिफेमेशन का एक केस कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिया खान इमोशनली अनस्टेबल थी और उसने काफ़ी बार अपने पास्ट में भी सुसाइड करने की कोशिश की थी। राबिया के मुताबिक जिस पहले पुलिस ऑफिसर ने उस सीन को देखा था उसके मुताबिक वहाँ पर उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी क्योंकि जिया के फेस पर और हाथों पर चोट के निशान थे, एक ड्रॉअर था जिसका हैंडल टूटा हुआ था और बालकनी की विंडोज़ पर खून के छींटे भी थे। मगर उसी ऑफिसर ने अगले दिन पूरा ट्रैक ही चेंज कर दिया और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एविडेंसेस नष्ट होते गए। साथ ही जो दुपट्टा जिया की गर्दन पर लिपटा हुआ मिला था, जो उसकी हैंगिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था, वो भी मिसिंग था। और जो ट्रैक सूट जिया ने अपनी मौत से 30 मिनट पहले पहन रखा था, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा था, वो ट्रैक सूट भी बिल्कुल मिसिंग था। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि पुलिस को उस रूम से किसी और के फिंगरप्रिंट्स तो छोड़ो, जिया के खुद के फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले थे। इतनी सारी रेगुलरिटीज़ होने के बाद भी अथॉरिटीज़ ने इस केस का कोई फॉलोअप नहीं किया। 2015 में CBI मर्डर को बिल्कुल रूल आउट कर चुकी थी और उन्होंने इस पूरे केस को सुसाइड का ही नाम दिया था। मगर जिया की फैमिली CBI से बिल्कुल ना खुश थी, इसलिए उन्होंने 3 इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हायर कर लिए इंडिया, लंदन और आयरलैंड से, ताकि वो इस केस को रिव्यू कर सकें। सितंबर 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक एक ब्रिटिश फॉरेंसिक फिजिशियन ने कहा कि ऐसे साइंस थे जिससे कहा जा सकता है जिया को लटकाने से पहले उसका मर्डर किया गया हो। जिया के स्टेप फादर थॉमस भी CBI की रूलिंग से खुश नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, CBI ने रिपोर्ट्स में कहा कि जिया की अपार्टमेंट 5 मीटर ऊंची है और उसको कोई भी क्लाइम नहीं कर सकता, मगर असल में पीछे की तरफ से उसकी अपार्टमेंट सिर्फ 1 मीटर ऊंची है। CBI ने यह भी कहा कि CCTV उस पूरी बिल्डिंग को कवर करते हैं और CCTV फुटेज के मुताबिक कोई भी इंट्रूडर बिल्डिंग में जाता हुआ नहीं दिखा, मगर रियलिटी में CCTV सिर्फ फ्रंट गेट और लॉबी को कवर करता है और किसी के लिए बहुत आसान है फर्स्ट फ्लोर की अपार्टमेंट पर जाना बिना CCTV में आए, क्योंकि बिल्डिंग के पिछली तरफ कोई भी CCTV नहीं है। जो सुसाइड लेटर जिया के कमरे से मिला था उसकी फैमिली ने उसे भी खारिज कर दिया था, ये बोलते हुए कि वो एक सुसाइड नोट नहीं था बल्कि एक फेयरवेल लेटर था, क्योंकि वो लंदन में आगे पढ़ाई करने के लिए जा रही थी इसलिए उसने वो लेटर लिखा था। अब ये तो आज तक पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया है कि जिया की ज़िंदगी के आखिरी 2 घंटों में उसके साथ क्या हुआ। विटनेसेस के मुताबिक उन्होंने सूरज और जिया को आर्ग्यूमेंट करते हुए उस दिन सुना था। रात के लगभग 10 बजे CCTV फुटेज में देखा जा सकता था कि एक फ्लोरिस्ट जिया की अपार्टमेंट में फ्लावर्स डिलीवर करने आया था और उसके कुछ ही देर बाद जिया ने वो बुके गेट कीपर को दे दिया ताकि वो उसे डस्टबिन में फेंक सके, और बुके में जो कार्ड था उस पर लिखा था बेस्ट विशेस फ्रॉम सूरज। अब इसकी आगे की कहानी बिल्कुल अनक्लियर है, स्पेशली सूरज की वजह से, क्योंकि वो कोई भी वाइटल एविडेंस देने से साफ साफ इनकार करता रहा। जब पुलिस ने सूरज का फ़ोन छानने की कोशिश करी तो उन्होंने ये पाया कि सूरज ने जिया का कॉन्टैक्ट रिमूव कर दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच के सारे मैसेजेस डिलीट हो गए थे। पुलिस साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक सूरज जानबूझकर काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपा रहा था और सिर्फ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा था। सूरज के पिता आदित्य पंचोली का कहना था कि वो इस पूरी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है और सूरज की भी हालत कुछ ठीक नहीं है, सूरज ने आज तक किसी के ऊपर हाथ तक नहीं उठाया है और मैंने खुद सूरज को एडवाइस किया है कि वो किसी से बात ना करे और जिया की फैमिली को भी अवॉइड करे, और मैंने ही उसे अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करने की सलाह दी है। उसके पिता का मानना है कि उसके बेटे को अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है। जिया की मौत के कुछ ही समय बाद आदित्य को एक बॉलीवुड मूवी हीरो में एज अ लीड रोल साइन भी कर लिया गया, जिसको खुद सलमान खान ने प्रोड्यूस किया था।
गाइज ये अनक्लियर है कि कभी भी जिया का केस पूरी तरीके से सॉल्व हो भी पाएगा या नहीं। आप लोगों का इस पूरे केस के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे एक अगली क्राइम स्टोरी के साथ। अनटिल देन, साइनिंग ऑफ़।